बार बार विचारों की बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके बारे में बातचीत करूंगा। कुछ लोगों ने कहा था कि उसके बारे में कुछ हमें बताइए, काफ़ी सारी कमेंट्स आई थी, तो उसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 1000 में से कम 1 या 2 लोगों को ये बीमारी होती है। एक बीमारी है बार 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 नकारात्मक विचार आने की। एक ही विचार रहता है, एक विचार, और वो नकारात्मक ही रहेगा, ऐसा नहीं कुछ भी होगा। तो वो विचार इतना बार बार आते रहता है, इतने बार बार आते रहता है कि वो व्यक्ति थक जाता है, कंट्रोल के बाहर है। मतलब वो इतना चालू रहता है कि वो थक जाता है विचार करते करते। वो जितना ज़्यादा कोशिश करता है वो कंट्रोल करने की, उतना ज़्यादा ज़्यादा होते रहता है। फिर वो बीमारी होंगी, बार बार विचार आता है कि अपने हाथ खराब है, तो बार बार हाथ खराब है, हाथ खराब है, ऐसे विचार आते हैं। इतने विचार आते हैं तो फिर उसको लगता है कि अपने हाथ धोए तो अच्छा रहेगा, तो वहाँ जाके हाथ धो लेता है। तो फिर विचार आता है कि फिर हाथ खराब हो गया, तो फिर जाओ और खराब हाथ धो लो। ऐसे बार बार विचार आएंगे तो फिर वो बार बार एक्शन भी करेगा। कुछ कुछ विचार ऐसे आते हैं कि जो एक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उतना उसको सेंस है। जैसा एक व्यक्ति मेरे पास में आया था, उसको ये विचार बार बार आते हैं कि वो सामने कोई भी स्त्री आ गई तो उसके छाती की तरफ देखेगा, उसको लगता है कि जाके उसको झपकी देना या लिंगन देना। ऐसा विचार आता है, मगर वो खरता नहीं मालूम है उसको कि पड़ेगी, ऐसा कुछ करेगा किसी को, तो उतना सेंस है उसको, मगर विचार आ रहे तो इतना परेशान होता है वो कोई। तो फिर अभी क्या करता है वो कि वो किसी लेडी के सामने जाना टालता है कि नहीं विचार आएगा, मेरी नज़र उसकी छाती की तरफ जाएंगी, फिर वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कैसा देख रहा है तू। कभी किसी ने उसको कुछ बोला नहीं कि तू ऐसा कैसा कर रहा है, इसको ही लगता है कि अपन देख रहे हैं। या किसी को ऐसा लगता है कि अपना बदन खराब हो चुका है और बहुत मैला हो चुका है, अपन ने स्नान करना चाहिए। फिर वो बाथरूम में जाएंगे, इतना रगड़ेंगे पूरा अपना बदन, इतना साबुन, एक एक दो दो साबुन की बड़ी पूरी खलास कर देंगे, एक एक ड्रम पानी खलास करेंगे और धोते बैठेंगे खुद को, कपड़ों को। तो ये खुद को धोने तक ठीक है, मगर यदि लोगों को भी धोना उन्हें चालू कर लिया, धोने के लिए मुश्किल कर दिया कि भाई कोई भी घर का आदमी बाहर से आया चलो बोले स्नान करो, कहीं इधर उधर हाथ लगाया तो बोले स्नान करो, इतना वो लोगों को परेशान करते घर के लोगों को साथ में रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को भगवान के बारे में विचार आते हैं, भगवान के साथ में सेक्स करने के विचार आते हैं, तो कुछ लोगों को भगवान के मूर्ति के ऊपर पेशाब करने के विचार आते हैं। उनको मालूम है कि ये बुरा है, ये कभी करेंगे भी नहीं, करने वाले भी नहीं है वो, उन्होंने कभी किया भी नहीं है, मतलब कोई पागल थोड़ी है ये लोग, मगर उनको विचार आते रहते हैं। तो एक लेडी थी, उसको ऐसा विचार आता कि अपना बच्चे को जन्म दिया था उसने, और उसको लगता था बार बार उसका गले घोट डाल। अब वो इतनी घबरा जाती थी कि समझो मैंने सच्ची कर दिया, गला घोट दिया तो बच्चों को पास में वो जो बच्चा था कुछ दिनों का, उसको बच्चों को लेती नहीं थी, हाथ में पकड़ती नहीं थी, पिलाती नहीं थी, कि विचार ही आ रहा उसको कि मैं गला घोट दूंगी। तो ऐसे बार बार विचार आना, फिर वो विचार आते हैं तो उनको फिर मतलब नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए फिर कुछ तो भी एक्शन करने के उनको लगता है कि समझो अभी बार 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 विचार आ रहा है कि मैंने वो दरवाज़ा लगाया कि नहीं, अंदर से बोर्ड लगाया कि नहीं, लॉक लगाया कि नहीं, तो ठीक है फिर जाके देख लो। फिर आया, फिर विचार आया कि मैंने, फिर जाके देख लो। फिर ऐसा वो आगे पीछे करते रहेगा, उसमें टाइम चले जाएंगे। भगवान की पूजा करना एक एक दो दो घंटा, स्नान करना एक एक दो दो घंटा, खाना टाइम। फिर इतना हो जाता है कि वो फिर खुद को मतलब गंदगी में रहना पसंद करते आखिर, क्योंकि इतना वो स्नान करते करते उनका मतलब पूरे ऐसी चमड़ी ऐसी हो जाती कि फिर वो टालना ही, मतलब वो करते भी नहीं, इतना ख़राब हो जाते फिर कि बोलते कि अभी मेरे को जाना ही नहीं, वहाँ करना ही नहीं, गंदा हूँ और कुछ होने वाला है नहीं। तो मेरा एक पेशेंट था, उसने तो 2 महीने स्नान नहीं कर दिया था, इतना गंदगी उसको लगती है तभी, मतलब इधर विचार भी आ रहे गंदा है स्नान नहीं कर रहा मगर। तो ऐसे भी हो जाता है। तो कभी बार बार एक विचार समझे खाना मूवी देखते हो, बार बार वो मूवी का ही विचार आते जाएंगे, इतना विचार वही सीन दिखेगा, वही विचार आएगा, परेशान हो जाते। या किसने कुछ बोल दिया, कोई कमेंट पास कर दिया, कोई दोस्त ने, कोई लड़की ने कमेंट पास कर दिया, कोई रिलेटिव ने कमेंट पास, उनको इतनी लग जाती वो कमेंट दिल को, और फिर वही कमेंट उसके दिमाग में आते जाएंगे। कुछ लोगों को मैजिकल थॉट्स आते हैं, मैजिकल थिंकिंग आते हैं। इसका मतलब है मैजिकल थॉट्स, मतलब ऐसा है कि उनको मालूम है कि ऐसे चमत्कारिक विचार ऐसे पॉसिबल नहीं है, मगर वो आते रहते हैं कि भाई अभी ऐसा होने वाला कि अभी बारिश आने वाली, अभी बारिश के दिन नहीं है और बारिश है काई की आने वाली, नहीं उसको लगता है। और कभी एक आधी बार गलती से बारिश आ गई, लगता है कि देखो मेरे विचार सच्चे हो गए।
तो ऐसे बार 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 विचारों में ना उसको ऑब्सेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, और वो कुछ लोगों को वो कंपल्शन हो जाता है, कृति भी करते हैं, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD बोलते हैं। अब इसके लिए इलाज क्या है? इसके लिए एक तो इलाज है हम हिप्नोथेरेपी से करते हैं, सम्मोहन उपचार, कि जिसमें हम बोलते हैं कि देखो ये ऑटोमेटिक विचार है, आपके कंट्रोल के बाहर है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे कंट्रोल, उतने ज़्यादा भी ज़्यादा 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 विचार आते रहते हैं। तो कंट्रोल नहीं करना, जस्ट बी विद द थॉट्स, साथ में रहो, थॉट्स के साथ में रहो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार करो, वो नेचुरल थॉट है, और उसको वो सिखाते रहते हैं हम। फिर हम उसको वो थॉट के साथ में रहना सिखाते, दिमाग शांत करना सिखाते, हिप्नोथेरेपी में विजुअलाइजेशन करना सिखाते, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सिखाते हैं, मेडिसिन्स जो है SSRI नाम की जो गोलियां हैं वो, क्लोमिप्रामिन नाम की जो गोली है वो, तो ये गोलियां देके भी काफ़ी लोगों को फायदा होता है। इसमें क्या है मतलब, ये जो OCD बीमारियां ना, ये यदि पहले कुछ हफ्तों में पकड़ी गई तो नथिंग लाइक दैट, पेशेंट ठीक ही हो जाता है, पर होता क्या है यूजली पकड़ी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से ही बहुत साफ सुथरे रहना पसंद करते हैं, नीट एंड क्लीन, हर वस्तु उनकी हर जगह पे मिलेंगी, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन रहता उनको कि उनकी उनको किसने की उनके वस्तुओं को हाथ लगा तो उनको चलता नहीं। तो ठीक है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, और वो स्वभाव का रूपांतरण वो बीमारी में कब होता है मालूम ही नहीं पड़ता, और फिर धीरे 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 वो बीमारी में हो जाता है, बीमारी भी चलती रहती है, लोग चलाते रहते हैं, फिर एक दिन जब इतना मुश्किल हो जाता है कि अभी इसके साथ में रहना कठिन है, तो फिर उसको लेके आते हैं हमारे पास। जल्दी लाया तो जल्दी अच्छा होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है ठीक करने के लिए, बहुत ज़्यादा इतने लोग मतलब ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कभी कभी कि उनको फिर शॉक ट्रीटमेंट देनी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको फिर साइकोसिस हो जाता है ऑब्सेशन के बाद में, या ऑब्सेशन के साथ साथ इतना ऑब्सेशन कि वो जगह पे से हिलते भी नहीं, उनको लगा, उनको विचार आता कि जगह पे से हिला तो कुछ तो भी हो जाएगा, फिर जगह पे से मैं कुछ हिला तो कुछ तो भी हो जाएगा, किसको, घर के लोगों को कुछ तो भी हो जाएगा, ऐसे विचार आता है बार 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 विचार आता है, तो जगह पे से हिलते भी नहीं, फिर वहीं पेशाब करना, वहीं लेटरिन करना, फिर साफ किसने करना हो, वो खुद को तो उनको गंदगी लगती है, फिर उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया, दवाई लेने को तैयार नहीं, फिर शॉक ट्रीटमेंट दो, क्योंकि वो बाद में धीरे धीरे पूरे साइकोटिक बन जाते हैं। तो इनको अच्छा यदि इलाज किया तो ठीक है, नहीं तो ट्रीटमेंट करना कठिन हो जाता है। इसलिए सभी को रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो लोग हैं अर्ली स्टेज में पकड़ लो, इलाज करो, आपके साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करो, इलाज करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा दिखेगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।